आजकल लॉस सैंटोस में गैस चोरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं भाई। सीरियसली में जहां देखो आजकल हर तरफ चोरियों के बारे में ही पता चल रहा है। अभी कल परसों की बात है, हमारे पड़ोसी के घर में चोरी हो गई है और इसलिए यार मैं अभी अपने घर को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में हूँ भाई। चोरी वोरी कभी भी हो सकती है यार। एक सेकेंड, ये क्या है? बाइक? तो बाइक कौन रख के चला गया यहाँ पे? ओ बाइक किसकी है? ओए ओ बाइक किसकी है ये? हेलो, अबे बाइक कौन रख के चला गया ये? अबे मेरा ही घर मिला है बाइक रखने के लिए, बाइक ले जाओ भाई अपनी। अरे कौन है यार, किसकी बाइक है ये? हेलो हेलो, कोई सुन रहा है भाई? अबे चोरियां बढ़ गई थी लॉस सैंटोस में, तो ये तो कोई लगता है मेरे को बाइक गिफ्ट करके चला गया, या फिर एक सेकेंड कहीं से किसी ने कोई बाइक चुरा ली और कहीं मेरे को फंसाने की साजिश तो नहीं की है? हो सकता है गैस कोई चोर आया हो, बाइक चुरा के भाग रहा हो, पुलिस वुलिस उसके पीछे पड़ी हो, तो बाइक मेरे घर के आगे फेंक के भाग गया हो, कहीं पुलिस मुझे पकड़ ले। नहीं 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 नहीं, इस बाइक को फेंक देता हूँ एक सेकंड अभी। अरे यार कैसी अजीबोगरीब बाइक है ये, चलना बाइक। अरे कैसी अजीबोगरीब बाइक है ये, अबे ब्लास्ट ही हो गई ये तो लात वात मारने के चक्कर में। बाइक पता नहीं किसकी थी गैस, लेकिन ये तो ब्लास्ट हो गई। ओ आगे वाला पहिया भी उड़ गया। अबे बाइक किसकी थी भाई? ओ पीछे वाला पहिया भी उड़ गया। I'm really very sorry, जिसकी भी बाइक थी, पता नहीं किसकी बाइक थी। हेलो भाई यार किसकी बाइक थी, पंगे ना हो जाए। चोरी की बाइक होगी यार, वरना ऐसे ही थोड़ा ना कोई भी अपनी बाइक छोड़ के भाग जाता है। छोड़ो जिसकी भी बाइक हो, मैं चला घर के अंदर। पता नहीं किसकी बाइक थी, बाइक वाला ओनर अभी तक आया होगा कि नहीं। चोरी की ही बाइक होगी यार, वरना तुम लोग ही सोचो कौन अपनी बाइक को ऐसे किसी के घर के आगे छोड़ के चला जाता है। हेलो एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये रो कौन रहा है, इसी की बाइक थी क्या? हेलो एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये आप ही की बाइक थी? हेलो आप ही की बाइक थी? भाई साहब आपने डंडा क्यों निकाल लिया? गलती हो गई, सॉरी, लेकिन बाइक ऐसे कौन रख के जाता है, ये भी तो गलत बात है सर। अरे गाइज ये बंदा तो कह रहा है ये बाइक रख के इधर 2 मिनट बाथरूम करने के लिए गया था, और एक्चुअली में उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि ये लॉस गैंग का मेंबर है। सॉरी भाई साहब गलती हो गई, सॉरी मैं बाइक के पैसे देने के लिए तैयार हूँ सर। सर प्लीज मेरी बात सुन लो, मैं बाइक के पैसे दे रहा हूँ। यार मैं इतना सर नहीं बोलता, अभी इसकी खोपड़ी उड़ा देता, लेकिन मेरे पास कोई वेपन नहीं है इस वक्त। सॉरी सर, सॉरी गलती हो गई। ओ नो 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 नो, ये बंदा तो यार, ओ नो 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 नो, बेसबॉल बैट लेके मेरे पीछे ही पड़ गया है। सॉरी सर गलती हो गई। ओ नो गलत फंस गया यार, अपने घर के अंदर ही गलत फंस गया मैं। नहीं वेपन्स रखने चाहिए, घर में हमेशा वेपन्स रखने चाहिए। मैं दौड़ नहीं पा रहा। सॉरी प्लीज प्लीज डोंट अटैक सर। सर गलती हो गई, भागो यार। कहाँ भागूं मैं? ओके अबे यार वो पीछे ही है मेरे। अरे सुबह कहाँ फंस गया मैं, सुबह लिटरली मैं कहाँ फंस गया। ओके कहीं जाके छुप जाता हूँ, रुक जाओ इधर ही। ओके ओ नो इधर ही आ गया, किधर जाऊं मैं? अबे यार छोड़ दे भाई प्लीज, पीछा छोड़ दे। गलती से गलती हो गई यार, बाइक गलती से ब्लास्ट हो गई। छत पे चलो गाइस, छत पे। ओके सेफ। वो शायद मुझे नीचे ही ढूंढ रहा है, शायद उसे पता नहीं है मैं छत पे आ गया। लेकिन अब मैं करूँ क्या यार, सीरियसली मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रखा हूँ। लॉस गैंग वालों के बंदे से सुबह पंगा हो गया। अरे यार मैंने इंटेंशनली थोड़ी ना किया यार, मैं तो बस उस बाइक को लात मार रहा था कि पता नहीं कौन अपनी बाइक यहीं छोड़ के चला गया है, शायद कोई चोर होगा, तभी वो बाइक ब्लास्ट हो गई। अब इसमें मेरी क्या गलती थी? ओहो क्या करूं मैं, इधर ही छुपे रहते हैं गाइस, जब मामला शांत हो जाएगा तब जाऊंगा मैं नीचे। भाई लिटरली मैं, मेरे पास वेपन्स होते ना भाई, अभी अभी इसकी खोपड़ी उड़ा देता मैं। वो तो वेपन्स नहीं है, इसलिए थोड़ा डर डर के भागना पड़ रहा है मुझे इधर उधर। ओके आई गेस मामला शांत हो गया। नहीं रुक जाओ यार, इधर ही थोड़ी देर रुकते हैं, आधे घंटे बाद जाएंगे नीचे। यस इधर ही थोड़ी देर रुकते हैं गाइस। ओहो सुबह किससे पंगे हो गए? लॉस गैंग वालों से, होने नहीं चाहिए थे यार पंगे बेमतलब के। ओके मामला थोड़ा शांत तो लग रहा है यार। हेलो कोई भी नहीं है लगता है, सब चले गए क्या? काफी ज्यादा देखो गाइस, देर तो हो गई है, आई गेस अभी चला गया होगा बंदा। वैसे भी एक बाइक के लिए कोई किसी की जान थोड़ी ना लेता है यार, भले ही लॉस गैंग वाले हुए तो क्या हुआ, एक 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 बाइक ही तो ब्लास्ट हुई है गलती से, वो भी गलती से, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया। वो पक्का चला गया होगा गाइस, आई नो। एक एक बाइक के लिए कोई किसी की जान थोड़ी ना ले लेगा, चलते हैं। ओए अभी ये सब कौन आ गए? ओ तेरी, अबे ओ नो, उसने पूरी गैंग बुला ली भाई एक बाइक के पीछे। ओ तेरी, मैं तो सोच रहा वो अकेला ही है, उसने अपने गैंग वालों को भी कॉल कर दिया। भागो भागो
भागो भागो, पूरी लॉस गैंग आ गई, पूरी लॉस गैंग ही आ गई है भाई। कितने मेंबर आए हैं लॉस गैंग के? नहीं 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 नहीं, 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 नहीं भागो भागो फिर से भागो यार, सुबह सुबह कहाँ फंस गया मैं। ओए गलती हो गई भाई यार, गलती हो गई, गलती हो जाती है यार, इंसान से कैसी बात कर रहे तू यार, छोड़ दे प्लीज। ओ यार ये तो पीछे ही पड़ गए पूरे इसके गैंग वाले। ओ नो 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 नो, बच के बच के बच के, अभी तक तो बचाऊ गाइस मैं। ओ जस्ट, बहुत ही जस्ट क्लोज है ये लोग मेरे। किधर भाग के जाऊं मैं, भाग के किधर जाऊं मैं? ओके ओके ओके, बालकनी की तरफ भागते हैं। ये लोग भी मेरे पीछे ही क्यों भाग रहे हैं? ओके बच गया बच गया बच गया, अभी भी मैं बचा हुआ हूँ गाइज। नो 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 नो, मैं काम करता हूँ गैराज में, अपनी गाड़ी है, भागना ही पड़ेगा गाइज। इस तरीके से इन बंदों से कब तक भागता रहूंगा मैं? अपनी गैराज से गाड़ी उठा के भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, गैराज से गाड़ी उठा के भागना पड़ेगा। भागो भागो, पहले अभी यहाँ से नीचे भागो, नीचे 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 नीचे, जल्दी जल्दी जल्दी। पीछे ही है, ओ पीछे ही है यार अभी तक ये लोग मेरे। जल्दी से यहाँ से भाग के मैं छत पे जाता हूँ, और छत पे से गैराज की तरफ चला जाऊंगा। यस लेट्स गो, पहले छत पे, पहले छत पे, पहले छत पे, फटाफट फटाफट, इतनी फास्ट कि ये लोग मेरे को देख ना ले। बस 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 बस, ओके ओके बच गया। डेफिनेटली इन लोगों ने मुझे देखा नहीं होगा गाइस। अब बस मुझे गैराज की तरफ जाना है, गैराज का गेट ओपन करके गाड़ी लेके भागना है। लेकिन यहाँ से भाग के मैं जाऊं कहाँ? एक काम करता हूँ, पुलिस कंप्लेंट जाके करता हूँ यार। सही बात है भाई, इस बंदे की गलती है, इसने अपनी बाइक मेरे घर के आगे क्यों पार्क की है? बाथरूम करने के लिए क्यों गया ये इधर ही बाइक रोक के? मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, डेफिनेटली पुलिस वाले सुनेंगे और मेरी हेल्प करेंगे। और वैसे भी लॉस गैंग वालों के तो खिलाफ ही रहते हैं पुलिस वाले, तो यस गाइस हेल्प करेंगे मेरी। फटाफट से यहाँ से गाड़ी लेके पुलिस स्टेशन भागता हूँ मैं। जल्दी से, है कहाँ ये लोग? ना नहीं कहाँ है, चलो यही सही मौका है। भागो, मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी प्लीज। ओ नो, इधर ही छुपे हुए थे ये लोग, नालायक तेरी, ओ तेरी। ओ नो, गैराज का गेट खुल गया। गाड़ी 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 गाड़ी, भागो 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 भागो, मेरी गाड़ी चल, मेरी गाड़ी चल, सॉरी सॉरी। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ओ नो ओ नो 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 नो, मेरी गाड़ी। ओके ओके, आ रहा है आ रहा है, पीछे ही आ रहा है। भागो भागो, ओके भाग गया मैं भाग गया गाइस इन लॉस गैंग वालों से। ओके फटाफट से पुलिस स्टेशन चलते हैं और पुलिस कंप्लेंट करते हैं इन लॉस गैंग वालों के खिलाफ। भाई साहब यार, जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने। सुबह सुबह मैं गलती से एक बाइक ब्लास्ट हो गई, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम लोगों की बाइक की क्वालिटी इतनी घटिया होगी। सही बात है भाई, बाइक एकदम लोकल सी होगी, दो चार लाते तो पड़ी थी उस बाइक पे, इतने में वो बाइक ब्लास्ट हो गई है। ओके फटाफट से गाइज मैं निकलता हूँ पुलिस स्टेशन, पुलिस वालों को लेकर आऊंगा, फिर इन्हें मजा चखाऊंगा लॉस गैंग वालों को। चलो वैसे ये मेरी गाड़ी देखो गाइज, ये है लैंड क्रूजर, यू नो लैंड क्रूजर, महंगी वाली, बहुत ही रेयर, नहीं रेयर तो नहीं है बट हाँ काफी ज्यादा महंगी गाड़ी है, और काफी ज्यादा मस्त गाड़ी भी है, ऑफ रोडिंग बहुत ही तगड़ी होती है। लैंड क्रूजर अपनी वही गाड़ी है बट ब्लू कलर में, और मैं इधर उधर क्यों ठोक रहा हूँ, आई हैव नो आइडिया। ये गाड़ी इतनी लंबी चौड़ी है भाई, इसको बस के सामने रख दो बिल्कुल हैवी सी लगती है। अब ये देखो ट्रक के सामने भाई बिल्कुल छोटी नहीं लग रही है ये गाड़ी। नॉर्मल गाड़ियां और ट्रक में कितना अंतर होता है, बट इस गाड़ी में और ट्रक में ज्यादा अंतर है नहीं। ओ शिट, इधर लॉस गैंग का ही बेस है, निकलो यहाँ से जल्दी से। ओके मैं निकलता हूँ गाइस पुलिस स्टेशन फटाफट, और पुलिस वालों से हेल्प मांगता हूँ, देखते हैं वो लोग भी हेल्प करते हैं कि नहीं। पता चला वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी गलती है, चलो देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो, पुलिस स्टेशन पहुंचने वाला हूँ मैं। ओके यार ढंग से मैंने अपनी गाड़ी का दरवाजा भी बंद नहीं किया, आधा खुला हुआ सा है, ये देखो इधर की तरफ से। कोई बात नहीं, ओके आराम से इधर तमीज में चलाता हूँ मैं पुलिस स्टेशन पे पहुँचने के बाद। यहाँ पर पुलिस वालों के सामने कोई गड़बड़ नहीं कर सकते ना भाई, इसीलिए फिलहाल ये नॉर्मल बंदों की भी पार्किंग यही है या सिर्फ पुलिस वाले ही पार्क करते हैं यहाँ पे? अरे करो ना भाई पार्क, बात खत्म। ओके लेट्स गो, पुलिस वाले हैं भी। ओके अबे कहाँ हैं पुलिस वाले? अरे इधर पुलिस वाले ही नहीं नजर आ रहे हैं यार। अबे भाई इधर तो पुलिस वाले ही नहीं है, अच्छा लगता है शायद अंदर होंगे। हेलो एक्सक्यूज मी सर, हेलो रिपोर्ट लिखवानी थी एक। ओके गाइस एक पुलिस वाला नीचे है भाई, वो कह रहा है कि बैठो थोड़ी देर, आता हूँ मैं। ठीक है चलो बैठते हैं इधर थोड़ी देर और क्या। फटाफट से आ जाओ पुलिस वाले सर फटाफट। यार इतनी देर हो गई भाई, पुलिस वाला अभी तक नहीं आया। हेलो एक्सक्यूज मी सर, हेलो। अरे यार कितनी देर लगाएंगे, रिपोर्ट लिखवानी है सर मुझे, कंप्लेंट करवानी है। प्यास भी लगी है उन बंदों से भाई, इतनी तेज भागा हूँ मैं अपने घर में ही, कितने चक्कर काटे हैं, बहुत ज्यादा तेज की प्यास लगी है। सोडा कैन है, फटाफट से यहाँ से कैन उठाते हैं एंड लेट्स गो ड्रिंक, बहुत ही बढ़िया टेस्टी। ओके अब यार मैंने इधर पौधे में ही फेंक दी कैन। ओ नो, पौधे से कैसे कैन हटाऊं मैं? अरे यार ये पौधे से कैसे कैन हटाऊं आखिरकार मैं? ओ नो, ओए क्या हुआ ये? कैन ब्लास्ट हुई, पौधा ब्लास्ट हुआ, क्या ब्लास्ट हुआ इसके अंदर? क्या ब्लास्ट, कुछ कुछ ब्लास्ट हुआ क्या? अबे यार आज जहां जहां लात मार रहा हूँ हर जगह चीजें ब्लास्ट हो रही है क्या? नहीं ब्लास्ट क्यों हुआ?
कैसे? सर सर मैंने जानबूझ के नहीं किया है सर। ओ तेरी भागो यार भागो। सर सर मेरी बात सुनो सर, मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ सर। वो अरे सर मैं जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। मैं जस्ट वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, कोल्ड ड्रिंक पी के मैंने वो कैन पौधे में फेंकी और वो कैन अटक गई थी सर पौधों में सर। ओके अरे सर मेरी बात का विश्वास करो, मैंने कोई बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह नहीं किया है सर। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ फंस रहा हूँ हर जगह। सर आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते सर? सर सर ओ नो, गोलियां पड़ रही है सर। अरे यार मैं जिधर जा रहा हूँ सिर्फ आज फंस रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? अरे मैंने जानबूझ के ब्लास्ट नहीं किया, मैं कितनी बार बताऊँ? अरे मैंने जानबूझ के ब्लास्ट किया ही नहीं है सर। अरे मैं भाग रहा हूँ भाई यार, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। मैं कैसे एक्सप्लेन करूं चीजें, मैं हर जगह फंस रहा हूं भाई। आज घर से बाहर निकलने लायक ही नहीं था। क्यों निकला आज मैं घर से बाहर, क्यों निकला भाई? अरे निकला तभी तो सारी प्रॉब्लम शुरू हुई, आज घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। सुबह सुबह न्यूज में देखा कि भाई आजकल चोरियां बढ़ रही हैं, तो बाइक खड़ी बाहर दिखी, तो मेरे को लगा शायद किसी ने चोर ने बाइक चुरा के फेंक दिया मेरे घर के आ गए। उस बाइक में एक लात मारी, वो बाइक ब्लास्ट हो गई, लॉस गैंग वाले पीछे पड़ गए। उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन आया। यहाँ अलग ही पंगे हो गए यार पुलिस वालों के संग। एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने वो ब्लास्ट जानबूझ के नहीं किया, बल्कि मुझे तो खुद नहीं पता वो ब्लास्ट कैसे हो गया। अरे हाँ यार, वो ब्लास्ट हुआ कैसे? पौधे में कैन फेंक दी थी मैंने, मैं वहां से कैन निकालने की कोशिश कर रहा था, उतने में आई हैव नो आइडिया भाई ब्लास्ट कैसे हो सकता है। अरे मैं जिधर जा रहा हूँ मैं फंस रहा हूँ, आज मैं फंस रहा हूँ भाई। मैं करूँ तो करूँ क्या? ये 5 स्टार की पुलिस लग गई है, बताओ भाई। इतनी पुलिस तो मैं किसी को उड़ा दूँ तब भी नहीं मेरे पीछे लगती, और आज 5 स्टार की पुलिस लग गई है सिर्फ इस वजह से कि पुलिस स्टेशन में गलती से एक ब्लास्ट हो गया, और वो ब्लास्ट मैंने किया भी नहीं। अबे मेरे पास तो वेपन्स ही नहीं है, तो मैं ब्लास्ट कैसे करूँगा? हेलो पुलिस वालों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। आई गेस गाइस मुझे मिलिट्री से हेल्प मांगनी पड़ेगी। यस मिलिट्री बेस जा रहा हूँ मैं। यस गाइस देखो भाई, मेरे ऊपर हमला किया लॉस गैंग वालों ने, तो आया मैं हेल्प मांगने के लिए पुलिस वालों से, लेकिन अब तो पुलिस वाले ही मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, तो पुलिस वालों से बचाएंगे मुझे मिलिट्री वाले। तो आई गेस मुझे मिलिट्री बेस निकलना चाहिए गाइस, वो एटलीस्ट मेरी बात ज़रूर समझेंगे। मिलिट्री कर्नल को मैं पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि सर मेरे साथ आज ये वो हुआ है, और वो डेफिनेटली पुलिस वालों से मुझे बचाएगा और मेरी हेल्प भी करेगा। यस गाइस आई गेस मुझे निकलना चाहिए मिलिट्री बेस फटाफट, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे मिलिट्री बेस निकलना चाहिए। चलो भाई मैं निकल रहा हूँ फटाफट से यहाँ से मिलिट्री बेस की तरफ, पहले इन पुलिस वालों से थोड़ा पीछा तो छुड़ा लूँ। स्टार्स ब्लिंक तो कर रहे हैं गाइस, रेन से आई गेस बाहर हो चुका हूँ मैं, और सामने वो देखो ब्रिज के ऊपर भटक रहे हैं पुलिस के हेलीकॉप्टर्स। ओके ओ नो, इधर से आ गए पुलिस वाले। किधर जाऊँ यार भाई, आज किस्मत नहीं साथ दे रही है मेरा, दोनों जगह मेरा पोपटी हुआ है। पहले घर के आगे बाइक ब्लास्ट हो गई, वहाँ लॉस गैंग वालों से पोपट हो गया, मेरे को लगा लॉस गैंग वाले गए लेकिन वो तो पूरी गैंग ही बुला के लेके आ गया। फिर यहाँ पुलिस वालों से हेल्प मांगने आया, यहाँ अलग ही लफड़े हो गए, पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ गए। बताओ यार, जिनसे मैंने सोचा था कि मेरी हेल्प करेंगे, अब उनसे ही बचने के लिए हेल्प मांगनी पड़ेगी मुझे मिलिट्री वालों से। हाँ ये सही है, मैं रेलवे ट्रैक पकड़ के भागता हूँ गाइस। यस इधर तो नहीं आएंगे एटलीस्ट पुलिस वाले, और इधर ट्रैफिक भी नहीं होगा तो मैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ भाग सकता हूँ। बस हाँ ये ध्यान रखना होगा आगे पीछे से कहीं से ट्रेन ना आ जाए भाई। ओके फिलहाल पीछे से तो कोई ट्रेन नहीं आ रही है, आगे से बस कोई ट्रेन ना आ जाए। कुछ देर इधर ही छुपते हैं साइड में और देखते हैं पुलिस वालों के ये 5 स्टार्स ब्लिंक करना बंद कर देंगे तो हम लोग निकल लेंगे गाइस यहाँ से। चलो ये भी नज़र रखना पड़ेगा कि ट्रेन किधर से आ रही है, इस पटरी पे या इस पटरी पे। उस पे आएगी तो मुझे इधर शिफ्ट होना है, इस पे आएगी तो मुझे उधर शिफ्ट होना है। आ रही है ट्रेन, ओके इस पटरी पे आ रही है, इधर शिफ्ट हो जाते हैं आराम से। यार ये 5 स्टार्स ख़त्म क्यों नहीं हो रहे पुलिस वालों के? जल्दी हो जाए तो मैं जल्दी से मिलिट्री बेस जाऊँ यार हेल्प मांगने के लिए। अरे यार 5 स्टार्स ख़त्म हो जाओ भाई, पुलिस के 5 स्टार जब तक ख़त्म नहीं हो रहे गाइस तब तक तुम लोग एक काम करो यार, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यस गाइस अभी के जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आज मेरे संग ये जो बैड लक चल रहा है वो थोड़ा गुड लक में चेंज हो यार, हर जगह से भागना ही पड़ रहा है मुझे। जल्दी से जाओ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड इंस्टाग्राम और एक्स पर गाइस अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी कर सकते हो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अरे पुलिस वालों छोड़ दो मेरा पीछा, थोड़ी देर में आई गेस पीछा छोड़ दिया। यस लेट्स गो, चलो अभी फटाफट से इस टनल से बाहर निकलते हैं और मिलिट्री बेस चलते हैं। लास्ट होप गाइस, बस वही बचे हुए हैं मिलिट्री वाले, उनके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई मेरी हेल्प कर सकता है। चलो भाई
मिलिट्री कर्नल आ रहा हूँ मैं, प्लीज भाई हेल्प कर दियो। बस वहाँ वहाँ कोई गड़बड़ नहीं करनी है, बल्कि मैं वहाँ कोई चीज टच ही नहीं करूंगा भाई, मैं बस मिलिट्री कर्नल से हेल्प मांगूंगा, सिंपल सी बात है। चलो चलो गाइस फटाफट फटाफट फटाफट। ओके गाइस मिलिट्री बेस बस कुछ ही देर में पहुंचने वाला हूँ, और यहाँ पर मुझे ध्यान रखना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो फिर तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता भाई पूरे लॉस सैंटोस में, इसलिए यहाँ गड़बड़ के चांस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। चलो भाई निकलते हैं फटाफट से, मिलिट्री बेस मेरे राइट साइड में है, बिल्कुल आराम से शांति से नो डिस्टर्बेंस, कोई चीज़ मैं छूंगा ही नहीं भाई मिलिट्री बेस के अंदर, कोई सा भी सामान। चलो भाई आराम से बिल्कुल राइट साइड एंड इधर, ओके बहुत ही बढ़िया, एंड यहाँ से इधर। चलो भाई मिलिट्री बेस हम लोग पास पहुँचने वाले हैं गाइस, बैरिकेड ओपन हो चुका है, चलते हैं। थैंक यू फॉर ओपनिंग द बैरिकेड। वेट व्हाट, नहीं मैंने कुछ भी गड़बड़ नहीं की है, हेलो बैरिकेड ओपन हुआ है तभी मैं अंदर आया हूँ। ओके फाइनली इन बंदों को समझा दिया गाइस, और बंदे समझ भी गए, लेकिन इस बंदे ने फिर भी एक गोली चला दी यार गाड़ी पे, कोई बात नहीं। ओके सर मैं जा सकता हूँ अंदर, थैंक यू। यार बंदे भाई ऐसा सोचता है कि मैं इलीगली एंटर कर रहा हूँ। मिलिट्री कर्नल सर प्लीज हेल्प मी, ओ नो गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहे, ओ सर सर सॉरी सॉरी नो, ये कैसे हो गया, हेलो हेलो सर सर रियली वेरी सॉरी सर, अरे यार गाड़ी में ब्रेक ही नहीं लगे, ओ नो 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 गड़बड़ हो गई यार, मिलिट्री बेस में भी आज मेरे से गड़बड़ हो ही गई, अब मैं कहाँ बच के जाऊँ, अभी तक तो सिर्फ पुलिस वाले ही पीछे पड़े थे, अब तो मिलिट्री वाले भी पीछे पड़ेंगे, नहीं 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 मैं बहुत बुरी तरीके से आज फंस चुका हूँ, आज मेरा बैड लक चल रहा है गाइस, मिलिट्री वालों से भी गिर गया, पुलिस वालों से भी गिर गया, मैं घर से बाहर क्यों निकला, मेरे को घर में ही चिल करना चाहिए था आज, सॉरी लॉस सैंटोस के मिलिट्री कर्नल, आई एम रियली वेरी सॉरी, अरे मेरे पीछे मत पड़ो भाई गलती से हुआ ये सब, कर्नल का इलाज करवाओ फटाफट जाके। क्या कर्नल ऑल राइट है, अबे तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो, वो तो गलती से हो गया मेरे से, अरे छोड़ दो प्लीज छोड़ दो प्लीज छोड़ दो, ओ नो गाइस मैं लिटरली मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ मिलिट्री बेस में, नहीं मिलिट्री बेस के बाहर घिर चुका हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं भाग रहा हूँ मैं भाग रहा हूँ मैं भाग रहा हूँ, नहीं प्लीज भागने दो। ओके भागो 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 भागो, ओके ओके ओके, लॉस सैंटोस की पुलिस, उसके बाद लॉस सैंटोस की मिलिट्री, सब मेरे पीछे पड़ी है, मैं कहाँ जाऊँ यार भाई, बड़ी मुश्किल से घर पे आराम कर रहा था, वहाँ लॉस गैंग वालों से पंगे हुए, पहले तो लॉस गैंग के मेंबर से पंगे हुए, उसके बाद पूरी गैंग से ही पंगे हो गए, उसके बाद पुलिस वालों से पंगे हो गए, अब मिलिट्री बेस में पंगे हो गए, क्यों नहीं मेरी गाड़ी पे ब्रेक लगे, अरे ओह गॉट इट, क्यों नहीं ब्रेक लगे, जब मैं मिलिट्री बेस के अंदर एंटर कर रहा था तो याद करो गाइस एक मिलिट्री वाले बंदे ने मेरी गाड़ी पे एक दो गोलियां चलाई थी, शायद उसी में ब्रेक पैड में कुछ दिक्कत हो गई होगी, जब ब्रेक लगाया तो वो काम ही नहीं किया, अरे क्यों हो रहा है आज ऐसा, मैं कहाँ जाऊँ अब बचने के लिए, अब तो लॉस सैंटोस की मिलिट्री और पुलिस सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये देखो मिलिट्री की जीप्स, ओके ओके कहाँ जाऊँ मैं कहाँ जाऊँ, लेट मी थिंक गाइस लेट मी जस्ट थिंक, ओके कहाँ जा सकता हूँ मैं, हाँ मैं माइकल के घर जा रहा हूँ, यस माइकल अपना सच्चा दोस्त है, माइकल के घर अगर मैं जाऊँगा वो मेरी जान जरूर बचाएगा, वो मेरे को पुलिस वालों और मिलिट्री वालों से छुपा लेगा, ये बढ़िया रहेगा, चलो 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 गाइस चलो 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 माइकल के घर, ओके नाइस, यहाँ से इधर चलो चलो माइकल के घर, ओके माइकल आ रहा हूँ भाई, अपने दोस्त की मदद करियो प्लीज़, लेट्स गो फुल स्पीड, माइकल तो अपने दोस्त की मदद ज़रूर करेगा, माइकल तू अपने दोस्त की मदद ज़रूर करेगा, कहाँ गिर गया मैं नीचे, चलते हैं गाइस फटाफट से माइकल के घर, पुलिस वालों ने भाई सारे रास्ते पे बैरिकेड लगा रखे हैं, मैं इधर से जा रहा हूँ, फटाफट से निकलते हैं माइकल के घर, वो पुलिस मिलिट्री सबसे बचाएगा मेरे को मेरा दोस्त। ओके गाइस तो बहुत सारी मिलिट्री और बहुत सारे पुलिस वालों से बचते बचाते गलियों में से निकलते हुए अभी फ़िलहाल मैं माइकल के घर पहुँचने वाला हूँ, और माइकल ही गाइस वो बंदा है जो मेरे को अभी फ़िलहाल मिलिट्री और पुलिस दोनों से बचा सकता है, अपना पक्का दोस्त। चलो माइकल के घर चलते हैं, आगे से लेफ्ट, माइकल मेरे दोस्त प्लीज़ बचा ले यार आज मेरे को, ओके आज मेरा लक मेरा साथ नहीं दे रहा है, माइकल अरे गैराज खोल दे माइकल भाई, मना कर रहा है खोल दे यार, ओके 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 थैंक यू माइकल थैंक यू।
यार गैराज बढ़िया है इसका यार, मेरा तो छोटा सा गैराज है, इसका गैराज देखो कितना बड़ा लंबा चौड़ा है। माइकल यार तू मेरी हालत सुनेगा तो भाई तेरी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। मैं तुझे बताता हूँ मेरी हालत, नहीं सुनना है तुझे? अरे सुन तू फिर भी। हुआ कुछ यूँ यार, मैं घर के बाहर निकला, एक बाइक पड़ी हुई थी, बाइक में सोच रहा किसकी बाइक, बाइक है, मैंने लात मारी बाइक में, वो बाइक ब्लास्ट हो गई। वो बाइक तो लॉस गैंग वालों की निकली, लॉस गैंग के बंदे से भागता रहा, फिर पूरी की पूरी लॉस गैंग ही आ गई। उनसे बचने के लिए पुलिस स्टेशन गया, वहां पर मैंने कोल्ड ड्रिंक की कैन पी के फेंकी कोल्ड ड्रिंक की कैन, और वो अटक गई यार घास में, मैंने घास पे लात मारी, वहां ब्लास्ट हो गया, पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ गए। पुलिस वालों से बचने के लिए मैं मिलिट्री वालों के पास गया कि भाई मिलिट्री वाले मेरी बात समझाएंगे पुलिस वालों की, कि जो भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और गलती से हो गया। लेकिन मिलिट्री में और बड़ा लफड़ा हो गया यार, मेरी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं लगे और कर्नल उड़वा दिया मैंने गाड़ी से गलती से। अब पूरे लॉस सैंटोस की मिलिट्री मेरे पीछे हाथों के पड़ी और साथ ही साथ पुलिस वाले पड़े हैं। यार प्लीज माइकल बचा ले मेरी जान, प्लीज थैंक यू यार, तेरे से बढ़िया कोई दोस्त नहीं है। माइकल गाइस कह रहा है कि जाओ मेरे कमरे में ऊपर आराम करो। यार लिटरली मैं कह नहीं रहा यार, माइकल से बढ़िया बढ़िया कोई दोस्त हो ही नहीं सकता है कभी जिंदगी में। थैंक यू माइकल तेरे घर के लिए। ओ वेपन, चलो भाई फाइनली एक पिस्टल मिल ही गया मुझे, ले लेता हूँ माइकल की पिस्टल, मतलब मेरी पिस्टल, लेट्स गो। चलो भाई एक पिस्टल का जुगाड़ हो गया, थैंक यू यार माइकल भाई, तू ही अपना सच्चा वाला दोस्त है। फिलहाल मैं करूँ क्या इसके रूम में, आराम करता हूँ गाइस, सुबह से बस भाग दौड़ी मचा रखी है। इधर आराम करूँ सोफा पे या फिर इधर बेड पे? अरे बेड पे ही आराम करते हैं, अपने दोस्त का ही तो बेड है। आराम करने से पहले देखूँ जरा कोई गोली वो ओली। अबे ये क्या है? ओए चूहा, ओए चूहा, ओए चूहा, चूहा भाई। अरे माइकल भाई साफ सफाई नहीं करवाता है क्या घर में, ये चूहा कहाँ से आ गया यहाँ पे, कर क्या रहा है ये बॉक्स में, पता नहीं भाई क्या कर रहा है बॉक्स में। अरे यार ये चूहा कहाँ से आ गया, ओ नो भाई साहब, ओ तेरी क्या कर दिया ये चूहे ने, ओ नो 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 नो, आग लग गई। अबे मैंने कुछ नहीं किया था यार, मैं यहाँ भी फंस गया, मैं यहाँ भी फंस गया गाइस, मैं यहाँ भी फंस गया। माइकल माइकल आई एम रियली वेरी सॉरी बट मुझे भागना पड़ रहा है। ओ नो पूरे घर में इसके आग लगती जा रही है गाइस। माइकल माइकल मैंने जानबूझ के नहीं किया है, बल्कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं है माइकल भाई सॉरी। अरे माइकल ने खुद ही पुलिस को कॉल लगा दिया यार ये आग की वजह से। अबे माइकल के बच्चे, अबे यार लेकिन उसकी भी क्या गलती है, कोई अपने दोस्त को बुलाएगा और दोस्त घर में आग लगा देगा तो कोई क्या ही कर सकता है, लेकिन पुलिस को बुलाना जरूरी था क्या? अब मैं यहाँ से कहाँ भाग के जाऊँ भाई, पुलिस से भागा, मिलिट्री से भागा, अपने दोस्त के घर आया, अब वहाँ से भी भागना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे आग लग गई। और आग तो मैंने लगाई भी नहीं, बल्कि गड़बड़ तो मैंने कहीं की ही नहीं यार, पर्सनली मैं बताऊँ मैंने कहीं भी जानबूझ के गड़बड़ नहीं की है, हर जगह अपने आप ही होता चला गया सीन। मेरे घर की बात ले लो, मेरे घर पे तो वो जो बाइक पड़ी थी मैंने तो बस ऐसी दो चार लाते मारी थी, उस बाइक में ब्लास्ट हो गया यार। फिर उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पुलिस स्टेशन में वो कैन अटक गई थी कोल्ड ड्रिंक की, उसमें मैंने लाते मारी, पौधे में लात मारी, वो ब्लास्ट हो गया यार। उसके बाद मैं गया मिलिट्री बेस, मिलिट्री बेस पे भी मैंने मिलिट्री कर्नल को जानबूझ के नहीं उड़ाया, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे क्योंकि भाई वो गोली चली थी गाड़ी पे और गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और मिलिट्री कर्नल को उड़ा दी मैंने लॉस सैंटोस के। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैं अपने दोस्त के घर आया जहाँ एक चूहा पता नहीं डब्बे में क्या कर रहा था और ब्लास्ट हो गया। ओ नो अब मैं कहाँ बच के जाऊँ, मेरी गाड़ी भी ऐसी हो गई, ओ शिट ये कहाँ फंस गया मैं, और नहीं 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 यहीं से निकल जाऊँगा, मैं यहीं से निकल जाऊँगा, प्लीज गाड़ी फंस मत भाई, पुलिस वालों से भागना है, मिलिट्री से भागना है, सबसे भागना है। ओके 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 अब मैं कहाँ भाग के जाऊँ, लॉस सैंटोस के जंगलों की तरफ भागते हैं गाइज, अब यही एक ऑप्शन बचा है, और कोई ऑप्शन तो मुझे सूझ नहीं रहा है। भागो मिलिट्री पुलिस और माइकल लॉस गैंग, सबसे भागना है, भागते रहो। मैं इस वक्त गाइज लिटरली मैं पता नहीं किन पहाड़ों की तरफ हूँ, लेकिन ये फिर भी ये जो पुलिस वाले हैं और मिलिट्री वाले हैं ये लोग मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे यार, पता नहीं क्या ही करके मानेंगे। अबे क्या बच्चे की जान लोगे क्या? ओ शिट सामने देखो आते जा रहे हैं वो लोग, इस पहाड़ पे भी, अबे इस पहाड़ पे भी आ गए भाई, इधर पता नहीं कौन सा विलेज है। मैं नहीं जा रहा, मैं जाने का रिस्क ही नहीं ले रहा भाई, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ गड़बड़ हो रही है, मैं अब कहीं जा ही नहीं रहा, मैं जा रहा हूँ बस इन पुलिस वालों से अपनी जान बचाऊं और इधर जंगलों में ही कुछ दिन छुप के रहूंगा, जब मामला बिल्कुल शांत हो जाएगा तभी मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा गाइज। अरे लेकिन इन जंगलों में भी तो शांति से रहने दो एटलीस्ट, यहाँ पे भी पुलिस वाले आ गए हैं। ओ नो
ओह नो ओके 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 गाइस लेट्स गो ओके आराम से इधर आराम से ओके नाइस 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 इधर पहाड़ों की तरफ छोड़ दो यार प्लीज पुलिस वालों पीछा छोड़ दो कब तक पीछा करोगे भाई तुम लोग कुछ काम वाम नहीं है तुम लोगों के पास जाओ यार कुछ और काम करो हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर लेके मेरे पीछे पड़े हैं अरे हद होती है भाई किसी चीज की अब यार मैं जाऊं तो जाऊं कहां कहां बच के जाऊं मैं तो पूरा पहाड़ों जंगलों पता नहीं कहां पहुंच गया हूं अभी तक इन लोगों से भागते भागते अरे बस भी करो अब क्या जान लेके ही मानोगे सच में ही अरे छोड़ दो ओरो भाई क्या स्टंट कर रहे हैं ये पुलिस वाले भाई स्टंट कर रहे हैं ये तो सीरियसली ओके ये थोड़ा ठीक है जगह यहाँ पे अब इधर भी और टाइगर भी है इधर नहीं भागो 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 ऊपर ही मंडरा रहा है हेलीकॉप्टर एक सेकंड नीचे की तरफ वो टनल है गाइस मैं उसमें जा रहा हूँ यस वो टनल में जा रहा हूँ मैं रुको 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 वेट 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 यहीं पर है ना वो टनल बस 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 बहुत ही बढ़िया बस टनल के अंदर चलते हैं लेट्स गो भाई टनल के अंदर ब्लू कलर की गाड़ी ग्रीन कलर की क्यों लग रही है ले भाई मेरी गाड़ी ठुक गई और मैं बाहर निकल गया और पुलिस वाले आ गए सामने की तरफ से टनल के अंदर भी सेफ नहीं हूँ मैं कितनी गोलियां पड़ेंगी आज इधर से भी भागना पड़ेगा और सामने से भी आ गई ये इधर से भी भागना पड़ेगा बस भागते ही रहो भाई भागते ही रहो हेलो एवरीवन पुलिस वालों से फाइनली मैंने पीछा छुड़ा लिया बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा है यार अब मैं बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से थक चुका हूँ यार अब नहीं भागा जाएगा भाई कभी घर से भाग रहा हूँ कभी माइकल के घर से भाग रहा हूँ कभी पुलिस स्टेशन से भाग रहा हूँ तो कभी मिलिट्री बेस से भाग रहा हूँ हर जगह से भागना ही पड़ा है और लगता है यहाँ जंगल से भी भागना ही पड़ेगा देखो यहाँ पर टाइगर वाइगर घूम रहा है और टाइगर भाई ट्रेन है उधर कहाँ जा रहा है ले भाई ट्रेन ने टक्कर मारी और टाइगर हो गया बेहोश टाइगर छोड़ो वो होश में आ जाएगा तो मेरे को उड़ा देगा भाई यहाँ से निकल लेते हैं लेकिन जाऊं तो जाऊं कहाँ मैं कुछ दिनों गए इधर ही छुप के रहना पड़ेगा भाई मैं लॉस सैंटोस के अंदर नहीं जा सकता मैं अगर लॉस सैंटोस के अंदर गया तो पंगे होने हैं अबे भाई डियर अबे डियर को भी एक टक्कर मार दी बताओ इन बंदों ने क्या हो क्या गया आजकल लॉस सैंटोस वालों को देखो अरे मैं जिधर जा रहा हूँ आज मेरे से पंगे ही हो रहे हैं मैं क्यों जा रहा हूँ इधर उधर मैं जा रहा हूँ गाइस इधर शांति से जंगल में रहने के लिए हमेशा के लिए मैं अब वापस लॉस सैंटोस नहीं जा रहा भाई इधर अबे डियर भाई क्या कर रहा है तू मैं वापस जाऊंगा ही नहीं गाइस इधर ही हमेशा के लिए रह जाता हूँ वेट वो टेंट किसने लगा रखा है किसी और बंदे का भी मेरी तरह ही प्लान है क्या अबे तू कौन है बे तूने टेंट लगा रखा है लौंडे है भाई तू है कौन बे मुझसे मतलब क्या तू तमीज में बोल ले बे समझ में आ रहा है तमीज में बोलने की बात की तो लड़ने के लिए आ रहा है लड़ने के लिए बेटा मेरे को हल्के में मत आ क्यों तू ये ले हैं हल्के में ले रहा है हल्के में पता नहीं कौन है गाइस कैंप लगा के कैंप फायर चला रखे है यहाँ पर अबे तू है कौन बे चल आज से तेरा टेंट हुआ मेरा यहाँ भी पंगे अब हो ही जाए आज अबे हर जगह जहाँ जा रहा हूँ पंगे ही हो रहे हैं यहाँ भी पंगे ले ही लूँ इस बंदे से सीरियसली मैं गाइस बहुत हो चुके हैं पंगे तेरे को क्या लग रहा है छोड़ दूंगा मैं तुझे यहाँ भी आज पंगे से डरने वाला नहीं हूँ मैं ये ले एक और लेना चाहेगा ये ले और एक और ले लात एक और मुक्का लेना चाहेगा आ जा पंच ये ले पंच एक लात ले आजा दम है तो आना सामने आ सामने घासों में कहाँ छुप रहा है ये ले पंच ये ले लात ले लात ये मुक्का ले ये लात ले और ये मुक्का मुक्का लात मुक्का लात ले बोलना था मैं तो निकल गई सारी हेकड़ी ओ डॉज कर रहा है हल्के में ले रहा है हल्के में डॉज ट्राई टू डॉज तेरी ऐसी तैसी ले ओ वेट वेट मेरे पास माइकल की बंदूक है ये ले बोल फालतू बोल कर दिया गाइस बेहोश इस बंदे को पैरों में गोली मार के बोल ना फालतू था मैं तो बोल ना परेशान करके रख दिया था यार अभी याद आया माइकल की गन है यार मेरे पास सही किया मैंने माइकल के घर से गन उठा ली थी तो सही किया बिल्कुल दिमाग खराब कर रखा है इस बंदे ने हो अबे वेट लेकिन गन की आवाज़ सुन के कहीं पुलिस वाले ना आ जाए नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा होप कि ऐसा कुछ ना हो या हो जाएगा अरे यार प्लीज़ पुलिस वालों आना मत प्लीज़ मत आना प्लीज़ पुलिस वालों आ मत जाना कहीं से आ गया अबे यार वो पुलिस वाला तो ताली भी पीट रहा है सॉरी सर सॉरी ले चलो अब मेरे से भागा नहीं जाएगा मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ ले चलो भाई जेल ले चलना है जहाँ ले चलना ले चलो क्या 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 अबे ये पुलिस वाला बोल रहा है कि मुझे
जेल नहीं ले जाएगा बल्कि इनाम देगा। वेट व्हाट? क्यों सर? जरा ये तो बताओ इनाम क्यों मिलेगा मुझे? क्या क्या भाई, क्या मजा ही आ गया। ओ भाई साहब, तुम लोग भी गए सुन के चौक जाओगे लिटरली में। इस बंदे को, जिस बंदे को मैंने पैरों पे गोली मार के बेहोश किया है, ये वांटेड क्रिमिनल है गैस, जिसको पुलिस पिछले 3 महीनों से ढूंढ रही है। और जब भी पुलिस इसके पास पहुंचती थी ये बंदा भाग जाता था, लेकिन आज मैंने इसे पकड़ लिया। इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये मुझे इनाम देंगे, और साथ ही साथ सबने, मिलिट्री पुलिस सबने मुझे माफ कर दिया है। वैसे भी गलती मेरी थी नहीं यार, ऐसी सिचुएशन ही हो गई कि हर बार गलती अपने आप ही हो जाती थी। कभी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जा रहा, कभी कहीं जाता हूं तो ब्लास्ट हो जाता है वहां पे। माइकल के भी घर तो गलती से ही आग लग गई, और मेरी गलती नहीं थी, माइकल को लगा मैंने आग लगा दी। भाई सच में ये बहुत ही तगड़ा क्रिमिनल है। तभी तो गाइस कांटे की टक्कर दे रहा था भाई पंच वाली फाइट में। यस गाइस, फिस्ट फाइट में तुम लोगों ने देखा, ये भी मुक्के दबा के मार रहा था, डॉज वॉच कर रहा था, मेरे को तभी लगा ये कुछ तो है बंदा। फिलहाल ये वांटेड क्रिमिनल था और मैंने इसे पकड़ लिया। अब थैंक यू सर, आई नो थैंक यू, मैंने बहुत ज्यादा हेल्प किया पुलिस की, बट इसके लिए क्या आप इतना थैंक यू बोल रहे हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, मैं तो जस्ट ऐसी हेल्प करता रहता हूँ। अरे प्राइज मिलेगा यार, तगड़ा प्राइज मिलेगा। कितने का प्राइज था सर? हेलो, 50 लाख का प्राइज था भाई। अरे वाह, प्राइज भी मिलेगा, मजा ही आ गया। तो आज का दिन तो मेरे लिए बेहतरीन ही रहा यार फिर तो। फिलहाल तो गाइस, तुम लोगों को आज की ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैंने आज के अपने बैड लक को गुड लक में चेंज कर दिया, और वैसे गुड लक ही था भाई। फिलहाल तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, इंस्टाग्राम एंड एक्स पर फॉलो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय गाइस, मजे आ गए।